हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल द ह्यूमन वैली पर। आज की वीडियो हम बताने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी और जो किंग जॉर्ज के जम्मू जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम करा रहे थे उसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो एक्सटेंड हो रही है, यानी कि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो आपको सही जानकारी मिलेगा। बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, और हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल वहाँ पे भी ज्वाइन। कोई प्रॉब्लम है तो हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज तो वीडियो में हम सबसे पहले हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल, यानी कि जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब यूपी में केवल एक बीएससी नर्सिंग एग्जाम हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे कि आपका जो डेट है वो एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, यानी कि जो एग्जामिनेशन डेट है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड से पहले बता दें आपको, हम लाइव दिखाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर abmu.up.edu.in आपको फिल करना है, टाइप करके आपको क्या करना है, सर्च करना है। तो ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, अप्लीकेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करना है। अगर आप खुद अपना एडमिट कार्ड यानी कोई भी जो सूचना आती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देखने के बाद आपको देखिए, फिर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ सो नहीं हो रहा है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। इसके अलावा हम आते हैं डाउनवर्ड स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको एक जो है इसका जो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, ब्रंकर डाउनलोड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जब आपको इसको शो करेंगे, आप देखेंगे तो देखने पर आपको यहाँ पर देखिए कुछ थोड़ा सा अपडेट आएगा आपके पास सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट था वो 31 जुलाई ही शो कर रहा है, बट जो इनका एडमिट कार्ड का था यहाँ पे जो 20 जुलाई था टू बी अनाउंस ऑन वेबसाइट, यानी कि अभी ये रिलीज करेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है तो अभी आपके पास 50%, ये समझ लीजिए 50% चांसेस हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो एक्सटेंड हो जाए, यानी 31 जुलाई से के बाद, मतलब कि यानी कि जुलाई अगस्त में भी एग्जामिनेशन डेट जा सकता है। क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड ना आने का मतलब यही है कि जो आपका डेट है वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, बट आप तैयारी करते रहिए, 31 जुलाई ही मान के चलिए। बट ऐसा आ रहा है सुनने में कि डेट एक्सटेंड होगा, उसके लिए प्रोसेसिंग चल रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग ख़त्म होगी आपको यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट में आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा जब जैसे भी एडमिट कार्ड आया जाएगा। इसलिए एडमिट कार्ड नहीं शो कर रहा है क्योंकि डेट की अभी बात चल रही है किस डेट पे कराना है। अगर इस डेट पे हो जाएगा तो इसी डेट होगा, क्योंकि थोड़ा सा नया अपडेट आपको इससे हट के बता दूं, क्योंकि नीट का भी एग्ज़ाम होने वाला है फिर से, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसके अलावा आप अगर तो नेक्स्ट हम वीडियो बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे नीट के लिए, तो इसमें हम बात करेंगे 31 जुलाई जो बात हम कर रहे थे, 31 जुलाई डेट बढ़ने वाला है। वो कब बढ़ेगा, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड आने उसी दिन आपको यहाँ पे शो करेगा 31 जुलाई को एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अगर एडमिट कार्ड 25 जुलाई तक आ जाएगा तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो है आपका एग्ज़ाम 31 जुलाई तक होगा। अगर 25 जुलाई तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है तो डेट बढ़ भी सकती है एग्जामिनेशन की, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी नॉन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।